और मेरे पति से बड़ा बूढ़ा लगता था जिसकी उम्र 50 साल थी। एक रोज मैंने अपनी सास से कहा कि देवर बूढ़ा हो गया है, इसकी शादी क्यों नहीं की। सास ने सिर पकड़ लिया और कहने लगी, वो ख्वाजा सिरा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ महीने बाद पति ने गुस्से में आकर मेरे को तलाक दे दी। वो मुझसे दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मेरे से दूसरी शादी भी ज़रूरी थी। सास ने उस बूढ़े देवर से मेरी शादी कर दी, जिससे सास ख्वाजा सिरा कहती थी। उसने मेरे साथ जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल में एक देवर और सास के अलावा कोई भी नहीं था। ससुर बहुत पहले ही मर चुके थे और सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा पति तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने शादी के फौरन बाद ही घर के सारे काम देखने शुरू कर दिए थे। मेरा पति काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर चला जाता था। उसके जाने के बाद घर में देवर और सास को मिलाकर हम 3 लोग ही रह जाते थे। मेरी सास तो ज़्यादातर बातों में मशरूफ रहती थी, जैसे मर्जी काम करती। उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी, बल्कि जब भी मैं थक जाती तो बचा हुआ काम मेरी सास करती थी। मैं अपनी सास को कहती कि माँ आप ना करो, मैं करूँगी। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूँ और आप काम करोगे, तो मैं तो बस थोड़ा सा आराम करने बैठ जाती हूँ। लेकिन वह कहती थी कि मैंने कर लिया है, तुम कोई और काम कर लो। कभी भी मुझे अपनी सास से डर नहीं लगता था। उनकी ख्वाहिशियत यही थी कि कुछ ऐसी थी, वह ज़्यादातर खामोश रहती थी, जिससे उनकी खामोशियत में एक रोब सा महसूस होता था। मैं उनके सामने कम ही बोलती थी। मुझे उनके ज़्यादा ना बोलने से कोई मसला नहीं था, बस मैं घर में अकेली होती थी, इसीलिए दिल करता था कि उनके साथ बातचीत कर लिया करूं। लेकिन शायद मेरा यह डर भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वक्त के साथ साथ डर खत्म होने की वजह मुझ पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। मेरा देवर भी मेरी सास की तरह नहीं बोलना पसंद करता था। मेरी सास तो मुझे मेरे पति से दोहरे बातें करती थी, लेकिन मेरा देवर तो उनके सामने भी बहुत कम बोलता था। उसके अलावा भी मुझे उनकी खासियत में भी अजीबपन महसूस होता था, मुझे भी अजीब ही लगता था, इसलिए मैं उनसे दूर ही रहना पसंद करती थी। मेरे पति की भी यही बात थी कि मैं अपने देवर से ज़्यादा बातें ना किया करूं। मुझे पहले पहले शक हुआ कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह बहुत गुस्से वाले थे। मैं भी उनकी बात मानती थी, वह जो कहते थे मैं वही करती थी, इसीलिए मैं अपने देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन उनके काम तो मुझे ही करने पड़ते थे, इसलिए बस कम की हद तक ही मैं उनसे बात करती थी। इसी दौरान कभी मेरे देवर ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे खुद से बात करने होते हुए इसकी चाहतीत महसूस होती थी। वह भी मुझे काम से काम रखने वाला बंदा था। मुझे उसकी हरकतें अजीब सी लगती थी, तभी मैं अपना पूरा कोशिश करती थी कि उसे जितना हो सके दूर रहूं। एक रात थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, और वह यह कि मेरे सास ने अभी तक मेरे देवर की शादी क्यों नहीं की थी। उनकी उम्र हो चुकी थी, मगर वह अभी तक कुंवारा ही था। देखने में तो वह मेरे पति से भी ज़्यादा बुद्ध लगता था, जैसे उसकी उम्र 50 साल हो। या मुझे ही महसूस होता था, या वाकई वह 50 साल का था, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था और ना ही मैंने कभी गौर किया था। बस एक बात थी कि मैं देवर के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकूं, और वजह यही थी कि मैं काम के बाद बोर होती रहती थी। घर में ज़्यादा लोग होते तो दिल लगा रहता, लेकिन यहाँ तो हम 3 ही लोग रहते थे। घर के कामों से फारिग हुए तो अपनी सास के कमरे में आई, जहाँ वह बैठी अपने काम में मशरूफ थी। मैंने उनको देखते ही हिम्मत करके कहा कि माँ आप अगर फ्री हैं तो बाहर आएं, शहन में बैठते हैं। मेरी बात पर मुस्कुराकर उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे साथ बाहर आकर शहन में बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जब पापा का देहांत हुआ तब आपके बच्चे कितने छोटे थे। मैं उनसे यह सब एक मकसद की वजह से पूछ रही थी। उन्होंने मेरी बात पर ठंडी आह भरी थी। मैं ठंडी आह भरने से ही समझ गई थी कि उनकी ज़िंदगी दुखों में ही गुजरी है। तो सास कहने लगी,
जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मेरी हुई थी। मेरी मौसी ने ही मेरी शादी की। उन्होंने सारी रस्में, जहेज सब कुछ बनाया। फिर जब शादी हुई और ससुराल गई तो ज़िंदगी के कठिन रास्ते शुरू हो गए थे। ससुराल जाकर मैं हर लम्हा रोती रहती थी। मेरी सास और मेरी नंद हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती थी, मगर उन सब में अगर जो कुछ पल सुकून के गुजरे थे, मैं वह मेरे पति के साथ ही गुजारते थे। मैं जब भी थकी हुई कमरे में जाती तो वह मुझे बातों में लगाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे दिलासा देते और हर परेशानी से निजात दिलाते थे। उनके पास बैठे बोल सुनकर मैं सारे दिन की थकावट भूल जाती थी। दिल पर हम मैं बहू के साथ कुछ गलत करूँगे तो कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं उनके खामोश होने पर सोचती थी। उनका बड़ा गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ के साए नजर आ रहे थे, जो शायद अब कम हो चुके थे। तो मैंने कहा, माँ, देवर के आने पर आपके साथ क्या हुआ था? मैंने उनके चुप होने पर यह पूछा था, मगर सास मेरे सवाल पर खामोशी अख्तियार कर बैठी रही। मैंने एक दो बार फिर पूछा था, मगर वह बोली ही नहीं। तो मैंने भी डरते हुए दोबारा बात नहीं छेड़ी कि बुरा मानकर कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। इस बात पर अब मेरा दिमाग अटक कर रह गया था कि देवर के आने पर मेरी सास के साथ बुरा क्यों हुआ था, बल्कि देवर के आने के बाद तो उनके दो बेटे हो गए थे, उनकी तो घर में इज्जत बढ़ जानी चाहिए थी। तो फिर यह सब क्यों हुआ? आखिर हुआ क्या था? सास की अधूरी बात सुनकर अब मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा था। मेरे दिल में यह सवाल चिपक कर रह गए थे, मगर मैं अब दोबारा अपनी सास से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। अगर पूछती तो ना जाने वह क्या सोचती इस बारे में, क्यों देवर की बात में इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ। इसलिए मैं चुप हो गई। कितने दिनों तो इसी उलझन में रही कि सास और पति खुद तो देवर से बोलचाल लेते हैं, लेकिन मुझे पति ने बोलने से मना कर रखा है, जिसने मेरे दिल में एक परेशानी पैदा कर दी। उसके बावजूद कोशिश करने के भी मुझे कुछ पता ना कर पाई थी। तो मैंने अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए एक रोज़ अपनी सास से पूछने का फ़ैसला किया। मेरा इरादा था काम ख़त्म करने के बाद उस दिन की तरह बातों बातों में यह राज भी पूछ लूँगी। मैं पूरी तरह से यह सोचकर बैठी थी कि अब तो मैं अपनी सास से पूछ कर ही रहूँगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देवर की पैदाइश पर उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी।